खुद से तो कोई काम करता ही नहीं है, बार बार कहना पड़ता है, इतनी मट्टी है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अरे आप इतनी जल्दी आ गए आज? अरे हाँ, वो बताया था ना तुम्हें, नई फ्रेंचाइजी शुरू कर रहा हूँ, उसी सिलसिले में मीटिंग थी, जल्दी फारिग हो गया, बहुत थक गया था, मैंने कहा घर ही चलते हैं। चले फिर चाय मिलके पीते हैं। चाय पिलवाओ, बहुत सर में दर्द हो रहा है। रजिया चाय बना दो। फरियाल कहाँ है? अपने कमरे में पढ़ रही है। अच्छा सुने, वो मानी के घर से ना कार्ड भेजा है इनविटेशन का। किस चीज को? वो असलम आया हुआ है ना, उसकी शादी है पाकिस्तान। अच्छा, असलम पाकिस्तान आ गया। अरे वाह, चलेंगे भाई, जरूर चलेंगे। फरियाल के इम्तिहान कब है? शादी से पहले खत्म हो जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। हाँ शुक्र है, वरना माजरत करनी पड़ती क्योंकि उसका सेकेंड ईयर है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। अच्छा वो शादी के कपड़ों के लिए आप पैसे देंगे ना? अरे भी रक्षी की शादी में जो कपड़े बनवाए थे तुमने, वही पहन लेना। मैं तो वही पहन लूंगी, लेकिन फरियाल के लिए तो लेने पड़ेंगे ना कपड़े। वो तो हमारे साइड वाले थे, तुम्हारे वालों ने तो देखे भी नहीं है वो कपड़े। वो कपड़े मैंने मासी को दे दिए हैं। हैं? तुमने वो नए सूट उठा के मासी को दे दिए? मुझसे पूछना तो दरकिनार, तुमने मुझे बताया तक नहीं। बस ध्यान नहीं रहा, मासी की बेटी की शादी थी ना, और वैसे भी वो कपड़े फरियाल को तो आने भी नहीं थे। रक्षी की शादी को 2 साल हो गए, तब में और अब में फरियाल में जमीन आसमान का फर्क है। हमारी नानी कहती थी लड़कियां बांस की तरह होती हैं, दिनों में बड़ी हो जाती हैं। अच्छा तुम ऐसा करो ना, तुम्हारी इतनी सारी साड़ियां पड़ी हुई हैं, उनमें से एक दो काट के सूट बना दो उसके। आपके कहने से पहले ही मैंने उसको दिखा दी थी, लेकिन फरियाल को पसंद नहीं आई। आप बड़े नखरे हैं आपकी बेटी के, अभी जमीन से होगी नहीं और पसंद नापसंद बता रही है। मैं हाँ भाई, तैयार हो गई? जी जी मैं तैयार हूँ। ये क्या पहन के खड़ी हो गई भाई? कितनी बार कहा है शादीशुदा औरतों पे ऐसे शोक रंग अच्छे नहीं लगते। वो गाय जो मैं लाया था, आपके करीबी दोस्त के घर जाना है तो मैंने सोचा कोई बेहतर कलर पहन लूं। ना सोचा करो ना। हाँ ये लो, ये पहनो। ये कलर? फिर नखरे, शादी शुरू औरतों में नखरे भी अच्छे नहीं लगते। जाओ जाके पहन के आओ। ठीक है। हाथ जल्दी कीजिएगा प्लीज। अच्छा फिर बताएं आप मुझे पैसे दे रहे हैं कि नहीं? देखूंगा भाई, वादा नहीं कर रहा अभी। चलो ठीक है। आज तक तुम्हारा कोई काम रुका है? सारे काम हो ही जाते हैं ना, लेकिन तुम्हारी ये दिमाग खाने की आदत खत्म नहीं। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, कहाँ थी तुम, इतनी देर से आया हूँ मैं। बस पढ़ाई बहुत मुश्किल हो गई है, टफ है। शाबाश, इस बार पहले से भी अच्छी परसेंटेज आनी चाहिए। पता है ना आजकल यूनिवर्सिटी के एडमिशन में कितना कॉम्पिटिशन हो गया। वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे गिफ्ट में क्या देंगे? जो मेरी बेटी का ही, जो मांगोगी मुझे। मैं तो सारी मेहनत ही अपनी बच्ची के लिए करता हूँ। बेटी के लिए तो आप फौरन खड़े हो जाते हैं, बस मैं ही एक ऐसी हूँ। हाँ भाई, मेरी एक ही एक तो बेटी है, मेरी जान है इसमें। मैं भी किसी की बेटी हूँ जो आज तक गुजारा करती आई हूँ, सुलह करती आई हूँ रमीज के साथ, मगर
25,000 में सारे टायर चेंज कर दूंगा साहब। 25,000 बावला हो गया क्या? मुनासिब पैसे बता कोई। मुनासिब पैसे बताएं, एकदम नए जैसे टायर हैं। ठीक है, अगली बार आऊंगा देखूंगा। फिर तो आपको जल्दी आना होगा। क्या मतलब साहब? आपको पहले भी बताया था, इन टायरों में ना दमखम नहीं है, बहुत ज्यादा भी चले ना तो बस 2 महीने में जवाब दे जाएंगे। 2 महीने ही बहुत होते हैं भाई, अभी तो पंक्चर लगा के काम चल रहा है ना। देख ले साहब, गाड़ी ज्यादा चलेगी तो टायर भी ज्यादा घूमेगा, कहीं खड़ी हो गई तो आपको ही परेशानी होगी। तब की तब देखी जाएगी, तू जल्दी कर यार, टाइम नहीं है, बातें किए जा रहे हैं। कर रहा हूँ यार, बिला वजह तुम एक तो बातें किए जा रहे हो। हाँ बस सर, आप ऑफिस कब तक आएंगे? वो बेसमेंट की चाबियां चाहिए थी, जूसेस आए हैं, वो स्टॉक करवाने हैं। बस आ रहा हूँ, बस 20-25 मिनट में। 10 मिनट मुझे भी लगेंगे, तो रास्ते भी तो टाइम लगता है ना, जल्दी आ, चला यार, बहुत ही बड़ा सुस्त है भाई तू। और आप एक नंबर के कंजूस आदमी हैं। पापा। बेटा अभी तक सोए नहीं तुम? मेरा पीसी खराब हो गया है फिर से। दस मिनट का काम 10 घंटे में हो रहा है। ठीक, मैं कल ठीक करवा लूंगा। कितनी दफा ठीक करवाएंगे? वो पीसी बहुत आउटडेटेड हो चुका है। आप मुझे एक लैपटॉप दिलवा दें। चलो अभी मुझे उसको ठीक कराने दो, जब जरूरत होगी तब लैपटॉप भी ले लेंगे। जरूरत है? मुझे असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, रिसर्च करनी होती है, प्रिंट आउट्स निकालने होते हैं, ये सब कुछ कैसे होगा? आप प्लीज मुझे एक लैपटॉप दिलवा दें। अच्छा ठीक है, फिलहाल तो मैं कह रहा हूँ ना, कल उसे ठीक करवाने ले जाऊंगा। अगर डेटा उड़ गया तो बहुत मसला हो जाएगा। बेटा तुम अपने बाप को बेवकूफ भी समझती हो, मुझे इतनी अकल है। पापा आज नहीं तो कल लैपटॉप की जरूरत तो पड़ेगी ना, तो आप मुझे अभी दिलवा दें। अभी तो काम चल रहा है। जी चल रहा है, लेकिन आपको पता है कि मुझे कितनी देर लगी है असाइनमेंट बनाने में? हो गया ना? जी लेकिन। अच्छा ठीक है, तुम अभी जाके सो जाओ, मैं कल उसे ठीक करवाने ले जाऊंगा। शाबाश। अब समझना ही नहीं चाहते। रमीज, फरियाल बिल्कुल ठीक कह रही है, उसका फाइनल ईयर है, उसका हर जो होगा। मुझे अच्छी तरह पता है कि उसका फाइनल ईयर, अपनी तरह मत बनाओ मेरी बेटी को। मैं कह रहा हूँ ना, बनवा दूंगा उसका कंप्यूटर, और अगर जरूरत पड़ेगी तो नया लैपटॉप भी ले लूंगा, लेकिन अभी उससे वादा नहीं करूंगा, वरना वो आस लगा के बैठ जाएगी। सो जाओ। बात सुने? क्या हुआ? कब से कोशिश कर रही हूँ चलाने की, बैटरी चल के नहीं दे रहा है। देखिए जरा इसे, मेरे जहेज का है ना, इतना तो पुराना हो गया है, मशीनरी है, कब तक चलेगी? जला तो नहीं है? और शुरू नहीं है कि जो चीज पुरानी हो जाए उसको घर से उठा के बाहर फेंक दिया जाए। तमीज की इतना महंगा भी नहीं आएगा। फिर जरूरत क्या है, मैं तुम्हें ठीक करवा के ला दूंगा ना, बस तुम्हें काम करते हुए चीज चाहिए ना, मैं करवा दूंगा। अच्छा ठीक है, फिर इसको ठीक करवा के दे। इसको किसी थैली में डाल कर दो। अच्छा रमेश, आप कभी नहीं बदलेंगे। कितने दिन में ठीक हो जाएगा? सर 2-3 दिन तो लगेंगे ना।
मुझे एक दिन में ठीक करके दो। सर वो क्या हुआ? सर पिछली बार भी दुकानदार कह रहा था कि ये ज्यादा अरसा नहीं चलेगा, कुछ दिनों बाद दोबारा खराब हो जाएगा। अब दोबारा इस पे खर्चा करना मतलब इलावा पैसा जाया करने वाली बात है। भाई इसकी आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, समझे ना? आप बस इसे ठीक करवा दें, ठीक तो हो जाएगा ना? सर ठीक तो हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद दोबारा कंप्लेन आएगी। भाई बात की बात में देखेंगे यार, फिलहाल तो उसे ठीक करा दूं। और हाँ एक बात उसे कह देना, इसे अर्जेंटली ठीक करना है, मुझे आज शाम तक सिस्टम तैयार चाहिए। ठीक है सर। उसे कह देना बहुत ध्यान से, मेरी बेटी के असाइनमेंट है इसमें, डेटा को कुछ नहीं होना चाहिए। जी सर। क्या? और तुम भी ख्याल रखना, मोटरसाइकिल के ऊपर लेके जा रहे हो, किसी को साथ बिठा लो नीचे से। जी सर बिठा लेता हूँ। हाँ हाँ मैं चेक टाइप पे भिजवा दूंगा, इससे पहले कब लेट हुआ यार। ओके बाय। क्या हुआ भाई? खैरियत तो है? आज मौसम कुछ गर्म लग रहा है। मुझे आपसे बात नहीं करनी। क्यों भाई? ने पापा पे इतना जुल्म क्यों? आपने मुझसे कहा था कि आप पीसी बिल्कुल ठीक करवा देंगे। हाँ तो ठीक करा तो लाया हूँ। वो ठीक हुआ है? वो तो उल्टा खराब हो गया है। रात के 2 बजे तक मैंने कोशिश की असाइनमेंट कंप्लीट करने की, तब भी कंप्लीट नहीं हुआ। आज पूरा दिन नींद ना पूरी होने की वजह से मेरा सर भारी रहा है। मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि इतना कोशिश करने के बाद भी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। रिलैक्स बेटा, डोंट टेक इट ऑन योर नर्व्स। मेरी पढ़ाई की बात है, आई विल टेक इट ऑन माय नर्व्स। और मैं मामा नहीं हूं कि हर बात पे कॉम्प्रोमाइज कर लूं। मैंने लाइब्रेरी में बात कर ली है, वहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा के मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लूंगी। हैं हैं कैसे भाई? और तुम वापस कैसे आओगी? बहन थोड़ी इतनी देर तक तुम्हारा इंतजार करेगी, मुझे आना पड़ेगा लेने के लिए। कैब से आऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो जिंदगी में इतना कंफर्ट नहीं है। हरगिज भी नहीं, मैं तुम्हें हरगिज लेट सेटिंग की इजाजत नहीं दूंगा। कैब इज नॉट सेफ यार। आप हर चीज पे मना कर देते हैं। बेटा कुछ करता हूँ ना, प्लीज। अरे बेटा तुम खाना तो खा लो, मुझे भूख नहीं है। याद है आपको, आपने ब्लेंडर ठीक करवाया था और वो नहीं चला, और आपने उसे जमीन पे पटक दिया था। तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं उसका पीसी जमीन पे पटक दूं? जब उसका पीसी खराब हो गया तो आप नया लैपटॉप दिला देना उसे। अरे कहा तो है करता हूँ कुछ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये सब तुम्हारा किया था, तुमने सिखाया उसको सब कुछ। मैंने? अच्छा ज्यादा बहस मत करो, जाके देखो उसे। तुम्हारे पापा ने कहा है ना, वो तुम्हें दिलवा देंगे बेटा। नहीं दिलवाएंगे, वो हमेशा की तरह इस दफा भी टाल देंगे, कोई ना कोई बहाना बना लेंगे। ऐसा नहीं है बेटा। अम्मी क्या हम बहुत गरीब हैं? नहीं बेटा बिल्कुल नहीं। लगता तो क्योंकि ऐसा ही है, पापा से जब कहो कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, अभी इसको ऐसे चला लो। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि उनके पास पैसे नहीं है। बेटा तुम्हारे पापा ने बहुत मेहनत की है, तिनका तिनका जमा करके इस जगह तक पहुंचे। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपना कारोबार किया, मीलों पैदल चले, लोगों ने उनकी सादगी का फायदा भी उठाया, उन्हें धोखा दिया है, बहुत उतार चढ़ाव देखे उन्होंने। अच्छा ये सब बातें एक तरफ, लेकिन तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते, तुम्हारी हर चीज हर ख्वाहिश का ख्याल रखते, तुम्हें बाहर घुमाने भी तो लेके जाते हैं ना। जहाँ उनकी मर्जी होती है बेटा। वो उन्होंने तुम्हें कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए, वो भी सारे सस्ते से। बेटा गिफ्ट की कीमत को नहीं देखते, देने वाले की मोहब्बत को देखते हैं। तो ये कैसी मोहब्बत है जिसमें सिर्फ आपकी पसंद शामिल है, दूसरे वाले की नहीं? और फिर ये तो मेरी जरूरत है। अच्छा तुम देखना, कल तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा लैपटॉप लेकर आएंगे।
देखते हैं, और पापा आपको तो बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आपने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया है और आप ही उनके साथ पता नहीं कैसे गुजारा कर रही हैं। पता नहीं आप कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं उनको, क्योंकि मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने फरियाल को इतने यकीन के साथ तो कह दिया है, लेकिन क्या ये वाकई ला देंगे? नहीं लाए तो? नहीं नहीं, मेरी बच्ची का दिल टूट जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा। क्या करूं, क्या करूं मैं? सर आपने बुलाया? हाँ, एक काम करो, ये दोनों सिस्टम ले जा, लैपटॉप का सारा डेटा पीसी में और पीसी का सारा डेटा लैपटॉप में करा के ले। जी सर। असल में मेरी बच्ची को जरूरत है लैपटॉप की, मैं ऑफिस में पीसी पे काम कर लूंगा। ठीक है सर। ये आज ही होना है, मुझे शाम को लैपटॉप साथ लेके जाना है। ठीक है सर। वैसे माशाल्लाह आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामा मेरे लिए नया लैपटॉप लेकर आई हैं। आज आप जल्दी आ गए। बेटा आप ऊपर जाके काम करें ना अपने कमरे में। शाबाश। ठीक है। कहाँ से आया लैपटॉप? वो मैं लाई थी। हाँ, लेकिन कैसे, कहाँ से? मेरी चार चूड़ियाँ थी ना, तो दो चूड़ियाँ बेचकर। अच्छा, तो अब इस घर का सामान इस घर के जेवर बेच के आएगा? नहीं नहीं, अब की बार ऐसे किया, ऐसी तो रखी हुई थी। अच्छा, तो इस घर में जो भी चीज ऐसी रखी होगी आप जाके बेच आएंगी? क्या समझ के सब कुछ करने चली हो तुम? क्या अब इस घर का खर्चा तुम चलाओगी? हमारी बेटी के एग्जाम सर पर थे। हाँ, तो लाया था ना मैं उसके लिए, एग्जाम तक गुजारा कर सकती थी वो इससे, लेकिन नहीं, आपसे तो सब्र ही नहीं हुआ। क्या चाहती हो, बेटी के सामने मुझे जलील करना चाहती हो, उससे ये बात गौर कराना चाहती हो उसका बाप बच्चा नहीं है? उसके बाद भी तो आप ही ने दिलाना था, अब तो खामखा नाराज हो गए। हाँ तो मैं दिलाता ना, इससे पहले आप लोगों की कौन सी ख्वाहिश जो मैंने पूरी नहीं की है, जो आज इतनी खुद मुख्तार बनने चली हैं आप, जाके चूड़ियां बेच। हद, पैसा आपका हो या मेरा, हमारी बेटी के काम आ गया रमेश। अच्छा आप गुस्सा ना करें, आए मैं खाना लगा रही हूँ, खाना खाएं। मैं ही खाना मुझे रमेश, रमीज।
भूखा तो मैं आपको सोने नहीं दूंगी। भूख है ही नहीं मुझे, मेरी भूख मर गई है। क्या हो गया रमीज, इतनी छोटी सी बात पर इतना नाराज थोड़ी होता है। तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए नहीं है। हमारी बच्ची की जरूरत थी। मैं पूरी करता हूँ ना अपनी बच्ची की जरूरत, करता हूँ ना। सब कुछ आप ही करते हैं, बल्कि आप बाप बहुत अच्छे हैं। बस और अच्छा नहीं। अच्छा बाबा, गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। गलती हो गई, माफ कर दे। तुम देखना आइंदा फिर यही करोगी। नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। आपसे बगैर पूछे किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। देखिए ना, बच्ची की जरूरत थी। अगर वो सुन लेगी कि हम दोनों की लड़ाई उसके लैपटॉप की वजह से हो रही है, तो उसका दिल कितना टूटेगा रमेश। नाराजगी आपकी मुझसे, खाने से तो नहीं, और नाराज होकर खाना ना खाना, ये तो ना शुक्री है ना रमेश। यही कहती थी ना आपकी अम्मी, चले बिस्मिल्लाह पढ़ के अब खाना खाए, चले शाबाश, ये ले मैं अपने हाथ से आपके मुंह में नवाला डाल दूं। अच्छा चले आप खुद खाएं। ये ले। या अल्लाह तेरा शुक्र है। हमारी बेटी ने ऐसी खुशी दी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। सुबह से इतने लोगों की कॉलें आ रही हैं मुबारकबाद के लिए, और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि अब हम फाइनली घूमने के लिए जाएंगे। जहाँ कहोगी, डिनर पर जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, सी साइड पे जाएंगे, खूब मजे करेंगे। अब पापा, मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने का कह रही हूँ। कॉलेज हमें लेकर जा रहे हैं ना नॉर्दर्न एरिया। मैंने आपसे गिफ्ट मांगा था ना अच्छी परसेंटेज के बदले, तो ये परमिशन मुझे गिफ्ट समझ के दे दें प्लीज। अच्छा बस बेटा, जो आप कहेंगे मैं आपको दे दूं, जो आप बोलेंगे मैं दे दूं, लेकिन ये परमिशन मैं नहीं दे सकता। देखिए ना, आजकल की लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। लड़कियां आजकल हर फील्ड में तरक्की कर रही हैं। होंगी, कर रही होंगी, हमें किसी की नकल करने की जरूरत नहीं। रमीज, मैंने अपने साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, लेकिन अपनी बेटी के फ्यूचर पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। फरियाल सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी भी।